अगर तुम यहाँ कमा रहे थे वहाँ पे आराम था तुम्हें दिल्ली में, केजरीवाल जी जो है आपको बड़ा सुख सुविधा दे रहे हैं सर, न्यूज में आता है। तो क्या कहने वाली बात है सर, हकीकत में कहने वाली बात है, हकीकत में नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। अगर 50 आदमी को मिलता है तो 150 आदमी बाकी रह जाता है। अच्छा अच्छा, यही बात है समस्या, और कोई समस्या नहीं। बिहार में किस जगह? बिहार हमको अररिया जाना है। अररिया जाना है। रास्ते में खाना पर्याप्त मात्रा मिला आपको? जी जगह पुलिस वाले दिए, एक जगह एक जगह दिए, बस बाकी कहीं नहीं, बाकी अपने साधन से। दिल्ली से लौट रहे बिहार के अररिया जा रहे साइकिल से इन मजदूरों की बेबसी की आवाज़ आपने सुन ली होगी कि आखिर सच क्या है। सर आज मेरा 4 दिन हो गए दिल्ली से निकले हुए, वहाँ सारे पैसा ख़त्म हो गया और मकान मालिक भी निकाल दिए। वहाँ खाना 500 का नाम बोलता है तो 1500 का नाम बोलता है सर, वहाँ बढ़िया से खाना पानी नहीं देता है। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश घुसे तो वहाँ पुलिस वाले और साथी वाला सामने भी दिए, और अभी ये भाई साहब ये सब इन लोग भी हम लोग का भी यहाँ खाना दिए हैं, और हम अभी यहाँ पर हरदोई में हैं और यहाँ से हमको 4 दिन जाएंगे। और इन लोगों ने हमको खाना दिया, सैनिटाइज भी करवाया और आगे रास्ता के लिए कुछ भी खाना दिया। जब आप दिल्ली में थे तो आपको क्या व्यवस्थाएं मिली? दिल्ली में थे सर मेरा कोई व्यवस्था नहीं मिली ना, कुछ झूठों को वहाँ का सरकार बोलती है कहाँ खाना दे रहे हैं, लेकिन वहाँ 500 का नहीं देता, सीधे 1500 का नाम बोलता है, और 1000 आदमी इसे मरता है, भूखे मरता है। प्रदेश में घुसे तो वहाँ बॉर्डर में फर्स्ट में हमको खाना मिली, पुलिस वाले दिए, उसके बाद रास्ते में और भाई साहब सब दिए, और यहाँ पे जब पहुँचे थोड़ा दूर में तो यहाँ आप लोग यहाँ के दिए इन लोग। तो अभी कहाँ जाना है आपको? अभी सर हमको बिहार जाना है। कौन कौन है साथ में? हाँ मैं और मेरे साथ में 5-6 भाई हैं। तो आप साइकिल से ही? जी साइकिल से ही पूरे रास्ते आ रहे हैं, सामान ढेर सब है इसीलिए सामान सब साइकिल में लाद लिए और सब मिल के जा रहे हैं। क्या नाम है भैया? अबुल वहाब। यह 8 आदमी दिल्ली से बिहार के अररिया जाने के लिए 2 साइकिलों पर अपना सामान लाद कर पैदल ही निकल पड़े। इनको इनके मकान मालिक ने भी निकाल दिया, और दिल्ली में जब कोई काम नहीं था तो मजबूरी में इन्होंने साइकिल के सहारे ही दिल्ली से बिहार के अररिया तक का सफ़र तय करने का फैसला किया, और उसके बाद ये 8 आदमी 2 साइकिलों पर अपना सामान लाद कर निकल लिए। अब बेबसी अगर देखनी है तो इसके आंसुओं में देखिए बेबसी और दर्द क्या होता है। जी मैं दिल्ली से आ रहा हूं और मैं बिहार जा रहा हूं, क्योंकि हमारे मकान मालिक निकाल दिए, वहां काम काज नहीं है कुछ भी करने के लिए, अब हम वहां क्या करेंगे, घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, इसीलिए हम पैदल ही घर चल दिए हैं, और पैसे कौड़े भी नहीं है जेब में, ये मुझे खाना दिए रास्ते में, यही खाते खाते मैं चलूँगा। इसकी आंखों में नज़र आ गया होगा आपको कि कोरोना का खतरा बड़ा है या उससे बड़ा खतरा पापी पेट का है।